बिहार मद मृत्यु घटना एबे सुधा मृतकों संख्या 53 छुईंतिबा बेले अनेक एबे गुरुतर अवस्था रे हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अछन्ते। विषाक्त मद कारबार रे संप्रति नै पुलिस छानबीन चलाइछि। तदंत पई एसआईटी गठन करा जाइछि। टीम रे 31 जण पुलिस अफिसर अछन्ते। एबे सुधा प्राय 126 जण को गिरफ करिछि पुलिस। घटना रे स्थानीय थानार एसएचओ ओ अन्य जण को निलंबित करा जिबा सहित सेमानक विरोध रे विभागीय स्तर रे जांच पई निर्देश दिया जाइछि। तेबटे परिजनक मृत्यु पारे कांदो बोबाळी रे फाटुछि सारण जिल्लार छापरा गां। किए पुओ को हराइथिबा बेले किए स्वामी हराइछि तो किए भाई को हराइछि। नकली मद बिक्री को नै असंतोष तेजुथिबा बेले नीतीश सरकार को टार्गेट करिछन्ति विरोधी। विधानसभा रे विरोधी आजि भी होहल्ला करिथिबा बेले सरकार नीति अनुपालन करूनथिबा अभियोग करिछन्ति। सेबटे विरोधी जानी सुनी गृह चलाउ देउनथिबा अभियोग करिछि शासक दल। बनाने वालों की जिम्मेवारी है नीति का अनुपालन। अगर वो विफल होते हैं और लोगों की जहरीली शराब से मौत होती है तो नीति बनाने वाले ही जिम्मेवार हैं इस पूरे मौत के लिए। और गरीबों का मौत है ये, और किसी को जवाब देना पड़ेगा। गलती का एहसास कई बार होता है, विफलता का एहसास होता है, अपने नियम कानून का एहसास होता है कि विफल हो गया, अपने प्रशासन का एहसास होता है विफलता का, और उसी का परिणाम है आक्रोश, गुस्सा, तिलमिलाना। कोई भी लोकतांत्रिक सभ्य समाज में इस बयान का निंदा करेगा, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अगर कोई शराब पीने से मौत हुई तो शराब पीना चाहता था, वो जहर नहीं पीना चाहता था, वो मौत को नहीं चुनाव कर रहा था। हमारे राज्य के रूप में ड्यूटी है कि जहरीली शराब ना बिके, और यह नैतिक जिम्मेदारी राज्य में जो सत्ता में बैठा उसकी होती है। और अपनी जिम्मेदारियों से भागना, यह बयान साबित करता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। 1000% मुआवजा मिलना चाहिए गरीबों को, क्योंकि जो मरे हैं वो बेहद ही गरीब परिवार से समाज के अंतिम पायदान के लोग व्यक्ति हैं। उनका जीवन जीविकोपार्जन उपार्जन करने वाला व्यक्ति वो इस दुनिया से चला गया सरकार की विफलता से।